ಹೆಚ್ಚಕಲ್ಲ ಜಹಾಗೀರಿ ಸದಾ ಹೆಚ್ಚಕಲ್ಲ ಜಹಾಗೀರಿ ಸದಾ ವಾಕಿ ಬಾತ್ ಬತಾತಾ ಹೂಂ ಭಾರತ ಕಾ ರಹನೇ ವಾಲಾ ಹೂಂ ಕನ್ಪುರಿಯಾ ಬಾತ್ ಸುನಾತಾ ಹೂಂ ಹೆಚ್ಚಕಲ್ಲ ಜಹಾಗೀರಿ ಸದಾ. मेरा नाम विनीत है. मैं आज का वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ फ्रॉम कानपुर. नहीं, हमको किसी ततैया ने मतलब बर्र ने नहीं काटा है. ये एरिया का नाम है बर्रा. जोक सपाट, आगे का इस वीडियो स्टार्ट करता हूँ. मैं एक इंजीनियर हूँ, सोचा खाली टाइम में वीडियो ही बना लूँ. तो आप बोलेंगे बड़ा करियर बंदा है. तो भाई लोगों, इसमें करियर की क्या बात है. इंजीनियर जब डिलीवरी करवा सकता है तो क्या वीडियो नहीं बनवा सकता. मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ अपने शहर कानपुर के बारे में बताने के लिए. अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो पूरा एक दिन कम पड़ेगा घूमने के लिए. हम स्टार्ट करते हैं अपने कानपुर शहर की सबसे खूबसूरत और पवित्र मंदिर जेके टेम्पल से. ये मंदिर राधा कृष्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है. जेके टेम्पल 2 मई 1960 को ओपन हुआ दर्शन के लिए. मंदिर का ओपन होने का टाइम सवेरे 8 से दोपहर के 12 बजे और शाम को 4:30 बजे से रात के 10 बजे तक है. ये मंदिर इतने बड़े एरिया में बना हुआ है कि फेस्टिवल सीजन में कभी भी कंजेस्टेड नहीं लगेगा और प्रॉपर तरीके से आप दर्शन भी कर सकते हैं भगवान के. भाई हम जब छोटे थे तब जेके टेम्पल मॉर्निंग वॉक भी जाते थे. मंदिर परिसर के अंदर इतने पेड़ पौधे लगे हैं कि फ्रेश एयर का आनंद बिल्कुल शांत तरीके से ले सकता है आदमी. शाम के समय मंदिर की खूबसूरती देखने लायक होती है. जब लाइट्स ऑन हो जाती हैं, मंदिर के परिसर में पार्क और लेक बनी हुई है. और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे म्यूजिकल फाउंटेन भी चलता है. लेक में कमल के फूल, वाह, मंत्रमुग्ध हो जाएंगे बिल्कुल, मन मोह लेते हैं बिल्कुल. मंदिर में श्री राधा कृष्ण, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री अर्धनारीश्वर, श्री नर्मदेश्वर और महाबली श्री हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं आप. मंदिर के अंदर और बाहर की नक्काशी देख के आप बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाएंगे. ऐसा कहा जाता है कि एक श्राप है, अगर डेली मंदिर में एक ईंट नहीं रखी गई तो मंदिर गिर जाएगा. कितनी सच्चाई है इसमें ये तो नहीं पता, लेकिन ये भी सुनी सुनाई बातें हैं. एक सबसे अच्छी मान्यता ये है इस मंदिर की, यहाँ शादी के लिए दो परिवार अपने बेटे और बेटी को लेके यहाँ मिलने के लिए आते हैं तो शादी तय हो जाती है. हमने खुद भी कई बार देखा है कि दो परिवार एक साथ बैठे हैं, अब इतना तो समझ ही आ जाता है कि लड़का और लड़की देखने और मिलने के लिए आए हुए हैं. इससे अच्छा और क्या हो सकता है भाई, कि आपका देखना दिखाना भी हो गया और भगवान का आशीर्वाद भी मिल गया. अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सबसे पवित्र स्थल की तरफ, बिठूर. ये कानपुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर गंगा जी के किनारे बसा हुआ है. बिल्कुल जिंदगी की भाग दौड़ से और भीड़ भाड़ से दूर. कहा जाता है कि जब सृष्टि की रचना की जानी थी तो भगवान ब्रह्मा ने बिठूर को ही चुना था अपना निवास स्थान, इसलिए इसको पहले ब्रह्मवर्त कहा जाता था और आज यही बिठूर के नाम से जाना जाता है. इस स्थान का संबंध रामायण काल से भी है. सीता माता ने अपने जीवन के कई कठिन क्षण यहाँ पे बिताए थे. यहीं पे लव और कुश का भी जन्म हुआ था और यहीं पे ऋषि वाल्मीकि ने रामायण भी लिखी थी. यहाँ पे आके आप बिठूर के इतिहास से ही रूबरू नहीं होंगे, यहाँ पे आके आप ऋषि वाल्मीकि के आश्रम के दर्शन के साथ ही बोट राइड का भी मजा ले सकते हैं. मतलब दर्शन का दर्शन, और अगर आप टूरिस्ट स्पॉट की तरीके आए हैं तो यहाँ बोट राइड करके आप मजा भी ले सकते हैं. यहाँ पर आप ध्रुव टीला, हरिधाम आश्रम, राम जानकी मंदिर और लवकुश मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं. बिठूर से कानपुर वापस आते हुए आप रास्ते में साईं बाबा के सिद्ध मंदिर और सुधांशु जी महाराज के आश्रम में भी जा सकते हैं, क्योंकि ये आश्रम शाम को 4 बजे ही ओपन होता है. सुधांशु जी महाराज के आश्रम भी बहुत ही सुंदर है. आश्रम से अंदर एंटर करते ही आपको बिल्कुल सजीव सी मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी भगवान की. और यहाँ पे भगवान गणेश की सजीव सी मूर्ति है. यहाँ पे भगवान शिव अपने परिवार के साथ कैलाश पर्वत पे विराजमान है, ऐसा बनाया गया है. पर्वत के ठीक सामने झील जैसा बना है, झील जिसमें कमल के फूल बने हुए हैं. और इसी आश्रम में दूसरी तरफ श्री कृष्ण अर्जुन जी के विमानवाहक बने हैं
उनके पास प्रदर्शक बने हैं और उसकी मूर्ति बनी हुई है। वो इतनी बड़ी और इतनी विशाल है कि अब वो भी आपको देख करके बिल्कुल सजीव सी ही लगेगी। और इसमें एक गुफा बनी है जिसमें आपको और भी बहुत सी भगवान के जीवन को चित्रित करती हुई मूर्तियाँ मिलेंगी। आध्यात्मिक स्थलों की लिस्ट में है अब सबसे प्रसिद्ध मंदिर हनुमान जी का। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान। कानपुर के पनकी में हनुमान जी का ये प्रसिद्ध मंदिर 400 वर्ष पुराना है। ये हनुमान जी के मंदिर को श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर भी कहा जाता है। हनुमान जी का दिन मंगलवार है तो इस दिन बहुत भारी संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। जैसा कि हनुमान चालीसा में लिखा है, संकट कटे मिटे सपीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा। यहाँ पर आके हनुमान चालीसा के का स्मरण करिए, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। कानपुर में माँ वैष्णो देवी का भव्य मंदिर बना है। ये वैसे तो बहुत पुराना नहीं है, यही कोई 10-12 साल, लेकिन पूरा मंदिर गुफानुमा बना है। आप यहाँ माँ वैष्णो के दर्शन कर सकते हैं। भगवान के दर्शन करके नेक्स्ट डे आप कानपुर का जू देख सकते हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा जू है। ऐसे ही कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मोती झील बनवाया है। यहाँ पे सुकून के पलों के लिए भी जा सकते हैं। यहाँ पेड़ पौधे इतने ज़्यादा हैं कि आप छाया में बैठकर आराम कर सकते हैं, और अगर आप शाम के समय जाते हैं तो यहाँ पे म्यूजिकल फाउंटेन भी देख सकते हैं। और मोती झील के, और सबसे अच्छी बात, मोती झील के दो पार्ट हैं। दूसरे पार्ट में जूते के शेप के झूले, हाथी के शेप के झूले और भी बहुत बड़े बड़े झूले बने हुए हैं। तो अगर आप अपने बच्चों के साथ घूमने निकले हैं तो मोती झील बहुत अच्छी जगह है उनको खुश करने के लिए। अब हम आपको लेके चलते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको लगेगा कि बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ, यहाँ पे आके आपको यही लगेगा। मैं बात कर रहा हूँ ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क की। हाँ जी, यहाँ पे कई कंट्रीज के कल्चर को दर्शाया गया है मूर्तियों के रूप में। आप सेल्फी लीजिए, ग्रुप फोटो लीजिए। वाटर पार्क तो है ही यहाँ पे, उसके साथ साथ सेंटा झूला, डक झूला, ऑक्टोपस झूला, और आपको यहाँ पे प्रक्षेपास्त्र बनाकर लॉन्च भी करने की तैयारी है। आपको लग रहा होगा ये कौन सी बात है। यहाँ पे आपको सही में प्रक्षेपास्त्र नहीं, प्रक्षेपास्त्र के तरीके का एक झूला है जो आपको बिल्कुल रॉकेट के तरीके ऊपर लेकर के जाएगा और वैसे ही बिल्कुल नीचे लेकर के आएगा। और यहाँ पर और भी बहुत सारे तरीके के झूले हैं जो पूरा एक दिन कम पड़ेंगे आपको केवल झूला झूलने में। यहाँ पे आपको किंग कॉन्ग देखने को मिलेगा। अरे डेरिये नहीं भाई, ये सही वाला नहीं, उसका पुतला। और अरे वाह वाह, ये रंग बिरंगी चिड़िया भी। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड पहुंचाएंगे। यहाँ आपको तूतेन खामेन भी मिलेगा। आप यहाँ पे तूतेन खामेन, अब आप बोलें तूतेन खामेन कौन भाई? इजिप्ट में का जो राजा था उसको तूतेन खामेन बोलते थे। उसकी मूर्ति भी यहाँ पे बनी हुई है। और उसके अलावा आप यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं। और मैं आपको क्या क्या बताऊं कि यहाँ पूरा एक दिन कम पड़ता है, मस्ती की मस्ती और घूमना भी सुकून से। ये ऐसी जगह है जहाँ बड़े बूढ़े और बच्चे सबका मन लग जाएगा, और एक बार आए तो जाने का मन नहीं करेगा। यहाँ पे अंदर आपको खाने पीने का भी सब कुछ सामान मिल जाएगा, तो नो मोर खाने का टिफिन लेकर घूमना। वैसे तो आप जिधर भी घूमने जाएंगे उधर आपको पेट पूजा के लिए रेस्टोरेंट मिलेंगे ही, लेकिन अगर आप मॉल के रेस्टोरेंट में एसी की ठंडी हवाओं के नीचे खाने के शौकीन हैं तो ये मॉल में आप जा सकते हैं। रेव थ्री, रेव मोती, साउथ एक्स मॉल और जेड स्क्वायर मॉल, ये मॉल्स कानपुर के चार अलग अलग कोनों पर हैं। और जो जो जगह अभी आपको घूमने के लिए जाना है उन सभी जगहों से ये मॉल जो हैं आपको पास में पड़ेंगे। अब जब आप कानपुर घूमने के लिए आए हैं तो अपने लिए और आप अपने परिवार के लिए खरीदारी तो जरूर करेंगे। उसके लिए मैं आपको बता दूं, कानपुर ऐसी जगह है जो बिल्कुल चीप एंड बेस्ट। अगर आपको सस्ते से सस्ता सामान खरीदना है तो वो भी मिलेगा, और आपको महंगे से महंगा सामान खरीदना है तो वो भी मिलेगा आपको। खरीदारी के लिए मैं आपको बता दूं, जो कानपुर की सबसे फेमस लोकल मार्केट्स हैं वो है खोविंद नगर, सीसामऊ, पीपीएन मार्केट और गुमटी। ये कानपुर सिटी के सबसे अच्छी मार्केट हैं, यहाँ आपको सबसे लेटेस्ट फैशन के कपड़े मिलेंगे। कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए बहुत फेमस है, तो आप यहां से अपने लिए प्योर लेदर का सामान खरीद सकते हैं, और वो भी बिना मिलावट के। मैं आपको अब बताता हूं कि कानपुर में और क्या क्या फेमस है।
कानपुर में आईआईटी है, आईआईटी कानपुर, एचबीटीआई इंजीनियरिंग कॉलेज, और इसके अलावा चार प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे काकादेव एरिया में सबसे बड़ा कोचिंग हब है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से स्टूडेंट्स प्रिपरेशन के लिए आते हैं और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन कानपुर से होता है। और अब हम बढ़ते हैं इंडस्ट्रीज़ की तरफ। आज के टाइम पे बहुत कम लोगों को पता है कि कानपुर एक टाइम पे इंडस्ट्रीज़ का हब हुआ करता था। आज भी है, यहाँ पे बहुत सी छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी है। तो अब आती है सबसे अच्छी और चटपटी बात, और वो ये है कानपुरिया लैंग्वेज। वैसे तो आपने बहुत सारी मूवीज में कानपुर के बारे में देखा होगा और सुना होगा। हाँ जी, कानपुर की लैंग्वेज है ही ऐसी। कुछ नमूने सुनाता हूँ। बहुत चिरांद आदमी है यार तुम। अमा यार, आदमी हो कि पैजामा हो तुम? बहुत बौझक्की आदमी हो यार तुम। ज्यादा बकैती सूझ रही है तुमको? दो घंटा दिया कनपट्टी के पे तो सब छाट जाएगा। सुन करके पेट पे गुदगुदी हो रही है। और सुनिए, सबर कर लो दादा, चरस पो दिए हो बिल्कुल। अब यार तुम गांजा ना करो हमारे। तो ये थे कुछ नमूने कानपुर के लैंग्वेज के। वैसे तो आप कानपुर में घूमेंगे तो भी आपको बहुत सारे बातें सुनने को मिलेंगी, तो बस यही सुनाना चाहता था मैं आपको। ये है मेरा कानपुर, और जहाँ पे घूमने फिरने के लिए एक दिन कम पड़ेगा। और जब भी आपका मन करे कानपुर घूमने के लिए निकलिए, और जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो सब चीज़ें गौर फरमाइएगा, आपके लिए आसानी होगी। चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिर मिलूँगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।